ठीक है भाई, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 में से हम चंद सवालात करेंगे। जितना अब तक हमने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें वो बातें सारी याद हो जाएं। तो मैं पेज नंबर 12 पर हूँ और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, जनाब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है गिविन द सेट्स ए, एक सेट आपको दिया हुआ है ए, ए एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके मेंबर क्या हैं? एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, ये एक आपको सेट दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक सेट और दिया हुआ है बी ई जी डी एफ, एक सेट आपको दिया हुआ बी जिसके मेंबर हैं ई जी डी और एफ, ठीक है, ई जी डी और एफ आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, और एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, ये दोनों इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स दिए गए ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी, एफ ऐसा वाला है, ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके ये दोनों सबसेट हैं। और आपसे नीचे जो है वो 8 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल आपसे कहा गया है ए का कम्प्लीमेंट मालूम करें, क्या मालूम करें? ए का कम्प्लीमेंट मालूम करें। आप जानते हैं ए का कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं? ए का कम्प्लीमेंट दरअसल यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करके मालूम किया जा सकता है। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, यू की जगह पर यू के मेंबर लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, और यू माइनस की जगह पर माइनस का साइन लगाया और ए की जगह पर ए के मेंबर्स लिखे। ए के मेंबर्स कौन कौन से हैं? एफ ए सी और ई, ठीक है। अब आपको इस यूनिवर्सल सेट में से ए एफ सी और ई निकालना है, ए एफ सी और ई, बाकी जो बचा वो क्या होगा? बी, बी के बाद डी, डी के बाद जी। वाह, तो ये बन गया आपके पास ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? सेम इसी तरीके से देखिए, इसमें 8 सवाल आते हैं, ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है। ये सारे सवाल आपको खुद ट्राई करने चाहिए। मैं एक सवाल और करा देता हूँ इसमें से, क्वेश्चन नंबर 4 यानी पहले सवाल का चौथा पार्ट मैं आपको कराए दे रहा हूँ। चौथा पार्ट क्या कहता है इसको भी देख लीजिए अच्छी तरीके से। चौथा पार्ट आपसे कहता है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करें, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। कैसे मालूम होगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट? पहले ये दो ऑपरेशन है, पहले आपको ए और बी का यूनियन मालूम करना है, ठीक है, जब आपको यूनियन मालूम हो जाए तो फिर इसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसका मतलब है पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, पहला स्टेप में मैं ए यूनियन बी को मालूम करने जा रहा हूँ। तो ए की जगह पे ए के मेंबर लिख लीजिए, मैं तरतीब से लिख लेता हूँ ए सी ई और एफ, उसके बाद यूनियन की जगह यूनियन का निशान और बी की जगह पर बी का निशान। बी के मेंबर्स क्या क्या हैं? एफ जी डी ई एफ जी, डी ई एफ और ये जी। पहले हम क्या करेंगे इसका यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों को मिला दीजिए, ए ए के बाद सी, सी के बाद डी, ई ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। लेकिन हमें ए यूनियन बी मालूम नहीं करना था, हमें मालूम करना था ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो अब मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट दरअसल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना होगा, ठीक है। तो पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिखूँगा, यूनिवर्सल सेट क्या है? ए, ये ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ के बाद जी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। माइनस इसमें से क्या माइनस करना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपके पास क्या है? ए यूनियन बी आपके पास है ए सी डी ई एफ और ये जी।
अब आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी में से ए सी डी ई एफ जी निकालना है तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, बी बचेगा। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात आपको, इसको उतारते भी जाइए साथ साथ। ये जब आप काम करते हैं और मैं तो मुसलसल आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जब एक सवाल कंप्लीट हो जाया करे और आप उसको उतारने की ज़रूरत पेश आए तो फिर आप उसको पॉज करा करें वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके फिर उसको लिखा करें। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ओके ठीक है, तो अब ये जो सवाल नंबर एक है जिसमें बहुत सारे सवाल आते हैं आठ, ये आपको ख़ुद करने हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप करके उस प्रॉब्लम से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं अगले सवाल की तरफ, एक्सरसाइज 2 ही का, 1.2 ही का अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जाते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर आपको जो सेट दिया गया है सारे, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया गया है, और हमें उसको सेट को पहले बिल्ड करना पड़ेगा। बुक आप निकालिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा सवाल लिखने के बजाय आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊँगा और फिर उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा, फिर हम उसके मुताबिक सवाल करेंगे। तो सवाल में लिखा है, गिवन द सेट ए एक्स, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, इवन इंटीजर लेस देन 10, वो सारे नंबर जो इवन हो लेकिन 10 से छोटे हों वो है सेट ए। तो सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें इवन नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं। 10 से छोटे इवन नंबर तो ये होते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इसको कन्वर्ट कर लिया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो बी दिया गया, बी इज एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, जो कि 10 से छोटे हों ये बताया गया था। ठीक है, किताब पर नज़र रखिए। उसके बाद कहा गया है, यूनिवर्सल सेट इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके में पॉजिटिव नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10 से छोटे छोटे पॉजिटिव इंटीजर नंबर का एक यूनिवर्सल सेट है। ये भी दिया गया था आपको टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया टेबुलर फॉर्म में। अब इसकी बुनियाद पर नीचे फिर आपको तकरीबन जो है वो 8 सवालात दिए गए हैं, और वो सवालात की नौयत भी ऐसे ही है जैसे लिखा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करें, ये सवाल है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करें। तो असल में पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी, यू की जगह आप क्या लिखेंगे, एक यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ठीक है, और बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, बी की जगह पर मेंबर हैं जो सारे ओड नंबर हैं, 1, 3, 5, 7 और ये 9। तो इसमें से अगर मैं वो निकाल दूं तो क्या क्या बचेगा, ये बी का कम्प्लीमेंट मालूम हो रहा है, 1 निकल गया, 3, 5, 7, 9, तो बचा 2, 4, 6 और 8, ये आपके पास आ गया क्या, बी का कम्प्लीमेंट। लेकिन आपको मालूम ये करना था, अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ए के मेंबर लिखूँगा, ए के मेंबर क्या हैं, 2, 4, 6 और 8, उसके बाद यूनियन का निशान डालूँगा, और यूनियन के बाद मैं क्या लिखूँगा, बी का कम्प्लीमेंट, बी के कम्प्लीमेंट क्या है, 2, 4, 6 और 8। अब मुझे जब यूनियन करना है, इत्तेफाक से यूनियन में ये सब के सब एक जैसे ही हैं और एक जैसे दो बार नहीं लिखे जाते, एक ही बार लिखा जाता है, 2, 4, 6 और 8, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे, और बाकी के जो सवालात हैं
तकरीबन इसमें सवालात हैं आठ इस पार्ट में, ठीक है। वो आठ के आठ सवालात आपको खुद करने हैं, ट्राई कीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिए। देखिए जो सवाल जब आप करते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आप जानते हैं कि इसमें करना क्या है, तो फिर आप उसे आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के बग़ैर सिर्फ तरीक़े को फॉलो कर रहे हैं, तो तरीक़े को फॉलो करने से मैथ नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। तरीक़ा तो आपको दरअसल किसी चीज़ की याद दहानी के बाद मश्क करवाता है। याद दहानी और आना ये एक अलग बात है। सारा ज़ोर क्लासरूम में आप इस बात पे दीजिए कि जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, जो बातें आपको बताई गई हैं, उन्हें बार बार देखिए, उन्हें बार बार समझिए, फिर उसकी बुनियाद पर आप सवालात कीजिए, ठीक है। चलें हम आ गए अब इसमें तीसरे सवाल पर। लेकिन तीसरा सवाल जो है वो वैन डायग्राम का है, तो वैन डायग्राम जो है वो अभी हमने क्योंकि पढ़ी नहीं है, लिहाजा अभी ये वाला सवाल मैं आपको नहीं करा रहा, ठीक है। तो एक टॉपिक और आज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसकी बुनियाद पर कुछ सवालात हैं, वो सवालात फिर हम कर लेंगे आज। ठीक है, तो सवालात क्या हैं ज़रा देखिए, मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको अगला, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, जब आप सेट को यूनियन करते हैं, सेट को इंटरसेक्शन करते हैं, दो सेट को माइनस करते हैं यानी डिफरेंस मालूम करते हैं, दो सेट्स का सिमेट्रिकल डिफरेंस मालूम करते हैं या उन सेट्स का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने में दोनों सेट कुछ प्रॉपर्टीज़ का इज़हार करते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ का इज़हार करते हैं। मैथ की ज़बान में वो प्रॉपर्टीज़ मखसूस नाम है उसके, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ऑपरेशन प्लस जो है, ऑपरेशन प्लस में जब दो नंबर को आप प्लस करते हैं, एक थ्री है एक फाइव है, तो इसका जवाब क्या आता है, एट। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूँ इन दोनों को पलट के फाइव और थ्री कर दें, तो भी इसका जवाब क्या आएगा, एट। इसका मतलब है कि एडिशन का जो ऑपरेशन है उसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नंबर्स की जगह बदल दें। तो हम कहेंगे कि एडिशन दरअसल अपने अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी, प्लस की प्रॉपर्टी है। प्लस अपने अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी अगर नंबर्स की जगह बदल दी जाए तो रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सही, प्लस की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऐसी तरीके से दो सेट की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप दो सेट हैं उसे आप यूनियन करते हैं, अगर उनकी जगह तब्दील करके यूनियन करें तो दोनों के रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, यूनियन का ऑपरेशन दो सेट पर, यूनियन का ऑपरेशन अपने अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी, ए यूनियन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं, इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की भी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की भी होती है, ठीक है। तो ए और इंटरसेक्शन बी का जो जवाब है वो हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के जवाब के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी अपने अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो जगह बदलने से रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कम्यूटेटिव के बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। क्या, एसोसिएटिव, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये थ्री प्लस फोर को पहले जमा कीजिए और उसमें फिर चार को पाँच को और जमा कर दीजिए,
तो आप क्या कर रहे हैं, थ्री और फोर कितने होते हैं, सेवन, और सेवन को पहले फाइव फिर आता है ट्वेल्व। लेकिन अगर मैं इसी को कहूँ कि पहले थ्री और फोर को ऐड नहीं कीजिए बल्कि पहले फोर और फाइव को ऐड कीजिए और जो जवाब आए उसमें थ्री को जमा कर दीजिए। देखिए इसमें ये ऑपरेशन क्या कह रहा है, तीन चीज़ों के दरमियान ये प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है और एडिशन ही के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तीन प्रॉपर्टी तीन नंबर्स की दरमियान जो है वो रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी है। अगर पहले दो नंबर को ऐड करके बाद में तीसरा नंबर करें या पहले दूसरे और तीसरे को ऐड करके बाद में पहला नंबर ऐड करें, दोनों के जवाब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो तीन नंबर्स के इस तरह की प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। सही ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का ऑपरेशन है। लिहाजा बोलेंगे कि तीन नंबर्स के एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहले दो को जमा करके तीसरे में जमा करें या पहले दूसरे और तीसरे को जमा करके पहले में जमा करें, दोनों में एक ही जवाब आता है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप सेट में चले जाएं, सेट में तीन सेट हैं आपके पास, ठीक है, तो सेट में जब तीन सेट होंगे तो उनमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए को अगर आप यूनियन करें बी के साथ और जो जवाब आए उसको फिर यूनियन करें सी के साथ, तो जो जवाब आएगा वो बी और सी को यूनियन करें पहले और बाद में ए के साथ यूनियन करें, दोनों का जवाब क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है तीन सेट में यूनियन का ऑपरेशन अपने अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर, देखिए जो नोटेशंस हैं और जो जो मैथमेटिक्स की जो जबान है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे आपको मैथ पढ़ना आसान नहीं लगेगा। इसलिए जुमले उर्दू इंग्लिश और ये नंबर्स ये निशान, ठीक है, इनकी एडजस्टमेंट, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ के चलना ये आपको शुरू दिन से सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपका मैथ इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यूनियन के ऑपरेशन में तीन सेट एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी पहले दो सेट को यूनियन करके फिर तीसरे सेट को यूनियन करें या पहले दूसरे और तीसरे सेट को यूनियन करके फिर पहले वाले सेट को यूनियन करें, दोनों के रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सेम प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी होती है, इंटरसेक्शन में भी यही प्रॉपर्टी होती है, ए इंटरसेक्शन बी पहले करके बाद में इंटरसेक्शन करें सी को, या ए इंटरसेक्शन पहले बी और सी को इंटरसेक्शन कर लीजिए और बाद में जो जवाब आए उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है कि तीन सेट पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी अपने अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको भी समझ लीजिए इससे क्या मुराद है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास एक ऑपरेशन है जिसमें यूनियन भी आ गया और आपके साथ साथ क्या आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया, ठीक है, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो ये कह रहा है पहले बी को और सी को इंटरसेक्ट कीजिए, जो जवाब आए उसमें ए के साथ क्या कीजिए, यूनियन कीजिए। अगर मैं इस ऑपरेशन को इसके साथ अलग अलग दोनों पे लगाऊं, यानी ए यूनियन बी करूं पहले और फिर इसको इसके साथ लगाऊं ए यूनियन सी और दोनों के जवाब को क्या कर दूं, इंटरसेक्शन कर दूं, तो भी दोनों का जवाब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो मुख्तलिफ सेट्स के ऊपर और इंटरसेक्शन को ऐसे ही रहने दिया, तो हम बोलेंगे ये वाली जो प्रॉपर्टी है इन तीन सेट्स की ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कहलाती है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें यूनियन जो है उसको ओवर इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अच्छा, इसी में इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी ये है, तो आप क्या करेंगे, ए को बी के साथ इंटरसेक्ट कीजिए और आप ए को सी के साथ इंटरसेक्ट कीजिए और जो जो दोनों के जवाब है उसको यूनियन कर लीजिए, तब भी दोनों के जवाब क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तीन सेट में इंटरसेक्शन और यूनियन दरअसल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तीन सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तीन सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें ये मैथ बड़ा आसान सब्जेक्ट है, अगर आप नोटेशंस को समझें, उनकी ज़बान को समझें, और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आवाज़ आए आपको, ठीक है, यानी ये जो बोल रहा है ये जब मैं कहीं लिखूं इन दोनों को एक साथ ऐसे बराबर करके कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन, जब ये वाली बात कहीं आप देखें तो आप फौरन इसकी आवाज़ इसमें से आपको आती हुई महसूस हो कि ये दरअसल तीन सेट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हैंडल हो रहा है। ठीक है, ये बोलना आपको आना चाहिए और इसकी आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए, तब आप देखिएगा कि आपका मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़बरदस्त होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिहाज से अगर आप प्लस और माइनस को भी शामिल कर लें तो एक नया लॉ बनता है और वो लॉ है, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है उसका, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कानून पेश किया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम, उनका कहना ये है कि ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो इन्फरादी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर हो, इन्फरादी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। इस कानून को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, दो सेट्स के यूनियन का कम्प्लीमेंट इन्फरादी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर, ऑपरेशन पलट गया, यहाँ यूनियन का ऑपरेशन था, जब आपने इन्फरादी कम्प्लीमेंट कर लिया तो अब ऑपरेशन क्या आ गया, इंटरसेक्शन का आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से यही इंटरसेक्शन पे भी लगता है, दो सेट के इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट, दो सेट के इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट उन दोनों के इन्फरादी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन नहीं यूनियन के बराबर होता है। ठीक है बेटे, समझ में आ रही है बात, इस इन दो कवानीन को आप क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, मैं प्रूफ करता हूँ आपके सामने, एक प्रूफ मैं कर रहा हूँ एक प्रूफ आप खुद करेंगे। ठीक है, एक प्रूफ मैं कर रहा हूँ एक प्रूफ आप खुद करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक सेट है यूनिवर्सल जिसमें एक से लेकर सात तक के मेम्बर हैं, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके मेम्बर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए, और सबसेट ए कौन सा है, इसके मेंबर हैं 1, 3, 5, 7 1, 3, 5 और ये 7। और एक सेट है आपके पास बी, उसके मेंबर कौन कौन से हैं, उसके मेंबर हैं 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 और ये 6। और आपको डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो प्रूफ करना है, उसका कानून। तो क्या कानून है, कानून ये है कि अगर आप ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट करते हैं तो जो जवाब आना चाहिए वो इन्फरादी कम्प्लीमेंट के, इन्फरादी कम्प्लीमेंट के यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो पहले हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, पहले मैंने निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए एक ही जगह एक मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, और यूनियन की जगह मैंने यूनियन लिखा और बी की जगह मैं बी के मेंबर लिख रहा हूँ 1, 3, 5, 7 1, 3, 5 और 7। इसका यूनियन करना है, कैसे करते हैं यूनियन, 1, 2,
थ्री दो दफ़ा एक बार लिखिए, फिर फोर फाइव दो दफ़ा एक बार लिखिए, फिर सिक्स और सेवन दो दफ़ा एक बार लिखिए। ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब मुझे मालूम करना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस का ए यूनियन बी। पहले देखें हमेशा लिखा करें वैल्यू सारी। अब मैं वैल्यू यू की जगह पे क्या लिखूँगा, यू की वैल्यू क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ठीक है। माइनस के साइन ऐसे लगाया माइनस, ठीक है। और उसके बाद है ए यूनियन बी। ए यूनियन क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन। जब आप इसमें से इसको मालूम करेंगे, निकालेंगे, तो बचेगा क्या, सारे निकल जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात इसमें भी है, एक से लेके सात तक इसमें भी है, दोनों में से ये आपका बचेगा खाली सेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ लिखूँ ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, दरअसल क्या आया है, खाली सेट आया है। ये बात पकड़ लिया आपने। अब हम चल रहे हैं ए इंटरसेक्ट ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना। पहले ए का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए का कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन। इसमें से माइनस करना है किसको, ए को। ए क्या है आपके, वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव और ये सेवन, ठीक है। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या आ गया, एक तीन पाँच सात निकाल देंगे तो क्या बचेगा, दो चार और छः बचेगा, टू फोर और सिक्स, ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी। यू क्या है, वन टू से लेके सेवन तक, माइनस का साइन। और बी का कम्प्लीमेंट क्या है, सॉरी बी क्या है आपके पास, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। तो थ्री फोर फाइव सिक्स निकालना है इसमें से, बाकी क्या क्या बचेगा बी कम्प्लीमेंट में, एक बचा, दो बचा, थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन बचा, ठीक है। सही जा रहे हैं, कहीं गलती की हमने। यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी, ये ए है, ये यूनियन बी है, ए यूनियन बी में से खाली निकला, सही है, क्योंकि इसमें तो दो कॉमन आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, इसलिए कि अगर मैं ये पता चला हूँ ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी खाली सेट आना चाहिए, क्योंकि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या आया है, खाली सेट आया है। तो गलती कहाँ की है ज़रा देख लें, यूनिवर्सल सेट मेरे पास एक से लेकर सात तक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, वो मैंने लिखा। अच्छा, पहले मैंने ए यूनियन बी मालूम करा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो मैंने गलत लिखा, पहले ए लिखना था ना, ए हमारे पास क्या है, वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव और सेवन था, ये गलती हो गई। अच्छा, जब इसका आप यूनियन करेंगे तो वन थ्री फाइव सेवन और बी क्या था, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी मैंने गलत लिखा, बी क्या है, थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। तो अब जब इनको यूनियन करेंगे तो वन थ्री फोर फाइव सिक्स, वन थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब वन थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपके पास निकलेगा, वन थ्री फोर फाइव सिक्स, बल्कि यहाँ सेवन भी आएगा इसलिए कि सेवन है, तो यहाँ सेवन भी आ गया। तो इसमें से जब आप निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, टू। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट दरअसल क्या है, टू है। और जब यहाँ पर आप निकालेंगे कि ए के कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास बी का कम्प्लीमेंट है और ये आपके पास क्या है, ए का कम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वो है टू। इस तरह से ये प्रूफ हुआ डी मॉर्गन ने कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कम्प्लीमेंट बी के कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, ठीक है। ये मैंने प्रूफ किया है, अगला जो थ्योरम का पार्ट है वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो
आज की क्लास के अंदर हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ लिया है। अगर आप चले जाएं अपने सवाल पर, तो सवाल में आपके पास पेज नंबर 12 पर 20वां सवाल है, जिसमें यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि वेरीफाइड डी मॉर्गन थ्योरम। तो दोनों वैल्यूज़ को, दोनों थ्योरम को 20वें सवाल पर आप जो है वो हल कीजिए, ठीक है।